भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पीएचडी थीसिक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के 100 वर्ष पूरे होने पर सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट की ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब भारत की करेंसी को लेकर कुछ विषय अपनी थीसिस में रखे थे, थीसिस को लेकर समस्या हुई, अपनी थीसिस लेने के लिए बाबा साहेब ने एक लंबा संघर्ष किया। साम्राज्यवाद के कारण जब ब्रिटिशर्स यहाँ शासन करते थे तो भारत के ट्रेड को कमजोर करने के लिए उन्होंने जो काम किया उसके लिए शासकों को डॉक्टर अंबेडकर जी ने चेताया कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि भारत का रुपया और उसकी तुलना पौंड के साथ करके और उसके बाद जो आपका कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी उसमें आप रुपए के साथ एक षड्यंत्र करके और भारत के धन को आप ऐसे या भारत के सोने को आप ऐसे ब्रिटिश की ओर नहीं ले जा सकते और भारत में हमारी जो करेंसी है रूपी ये मजबूत होनी चाहिए क्योंकि आप भारत में शासन कर रहे हो। तो जब ये विषय उन्होंने रखा थीसिस में तो थीसिस पे कोई प्रॉब्लम हुई और उन्होंने कहा हम आपको थीसिस नहीं देंगे। उसके लिए बाबा साहब ने एक लंबा संघर्ष किया और अंततः उनको थीसिस दी गई और थीसिस फिर बुक के रूप में प्रकाशित हुई तो 1923 में उनका प्रकाशन हुआ। तो 100 साल की वो जर्नी है कि रुपए की यात्रा 100 साल में कहां तक पहुंची। उस समय रुपए की यात्रा के बारे में बाबा साहब ने कहा, आपने देखा होगा कि डीमोनेटाइजेशन के समय भी कुछ लोग जो कहते थे कि डीमोनेटाइजेशन होना चाहिए उसमें बाबा साहब की इसी थीसिस का सारा लेकर के वो कहते थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में रुपए की ताकत तेजी से बढ़ी है। अब ऐसे 35 देश हैं जो बाहर भी रुपए चेंज नहीं करना पड़ता आपको